वन मिनट रिवीजन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज दिनांक 31 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे दोस्तों अपन एक मिनट में। तो हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने बेस्ट पैसेंजर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन मेट्रो अवार्ड जीता है। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर एलन डेविडसन जी का भी अभी निधन हुआ। और दोस्तों कन्नड़ फिल्म की इंडस्ट्री के पुनीत राजकुमार जी का भी अभी अभी निधन हुआ है दोस्तों। और हाल ही में रेणु गुप्ता जी को महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। अभी तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है दोस्तों। और हाल ही में जारी स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020 में कर्नाटका राज्य टॉप पे है दोस्तों। ब्रुनई में होगा अक्टूबर 2021 में 18वां एशियन इंडिया समिट दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने आरवी रविंद्रन जी की नेतृत्व में पेगासस मामले की जांच हेतु इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है दोस्तों। 31 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे और 31 अक्टूबर को ही वर्ल्ड सिटीज़ डे भी मनाते हैं। और हाल ही में साउथ कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल के लिए दोस्तों बढ़ा दिया गया। आलोक अमिताभ डिमरी जी को ब्रुनई में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया दोस्तों।